हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस साहनी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, यहाँ पर बच्चे अब खेल रहे हैं और आज थी पूजा की एनिवर्सरी और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा पार्टी वार्टी करने, क्योंकि पूजा अपनी एनिवर्सरी की खुशी में पूजा और विपिन पार्टी दे रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं पार्टी। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पर। बस जा ही रहे, अब निकल रहे हैं और अभी कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं ये डिसाइड नहीं हुआ है हमारा फाइनल। तो चलिए वहाँ पे चल के ही मिल के बताती हूँ आप लोगों से। तो जी लीजिए, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कैफ़से और कैफ़से आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो अच्छा लगा और बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो बस हम लोग अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ा हमें, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता ही है ऑर्डर देने के बाद। तो तब तक हम लोग वेट कर रहे थे और बच्चे चिल्ला रहे थे यहाँ पर, थोड़ी सी वो लग रहा था कि लोग क्या बोलेंगे। बट देखिए, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, मैं कुछ कह रही थी यहाँ पर बट बिल्कुल भी शोर बहुत ज़्यादा थी, आवाज़ अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर बाबू में दोनों में थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई थी फ़ोन के लिए, और गाड़ी लेके आ गए थे एक जने और वेदांश गाड़ी लेके आ गए थे, और बाबू कुछ नहीं लाया था तो बाबू छीन रहा था, फिर वो भी छीन रहे थे। देखिए, यहाँ पर बर्गर आ चुका है हमारा, और तो बस अब हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमारी पूरी तरह से सारे खाने आ गए हैं और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक भी आ गई थी, जबकि ठंड का मौसम है फिर भी हमने कोल्ड ड्रिंक लिया। देखिए, बाबू को भी बहुत अच्छा लगा, सब ने खाया। तो बस देखिए, वीडियो में आगे बने रहिए और देखते रहिए क्या क्या होता है अभी। और हाँ, KFC किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और देखिए, यहाँ पर हम लोगों का फिनिश हो चुका है सब कुछ खाना पीना, और लास्ट में फ्रेंच फ्राइज भी आई, बच्चों ने भी खा लिया, हमने भी खा लिया, और अब हम जाएंगे डोमिनोज़। तो यहाँ से यही डिसाइड हो रहा था कहाँ चलना है, तो फिर सीधे हम लोग यहाँ से निकले डोमिनोज़ के लिए, और यहाँ थोड़े से बच्चों ने भी इंजॉय और ज़्यादा कर लिया। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से डोमिनोज़। तो जी, हम लोग डोमिनोज़ पहुँच गए और वहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, जस्ट 2 मिनट का रास्ता होगा वहाँ से। तो देखिए, हम लोग आ तो गए लेकिन यहाँ पर हमने कुछ नहीं खाया, हमने पिज़्ज़ा पैक करवाया और सीधे हम लोग घर गए। क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चों को अगर हम लेके कहीं जा रहे हैं तो बच्चे इतनी ज़्यादा वहाँ पर शैतानी कर देते हैं कि बस ऐसा लगता है कि जल्दी घर पहुँचे, तो फिर इसीलिए हम लोग भी जल्दी जल्दी वहाँ पर पैक करवाए और घर आ गए। तो देखिए, यहाँ पर बात चल रही थी कि ये लोग पहले का जब आए हुए हैं यहाँ पर, तो वही सारी चीज़ें याद करके दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे थे और मैं सुन रही थी बैठ के चुपचाप। तो देखिए, यहाँ पर बच्चों का भी पिज़्ज़ा चिल्ला रहे थे। तो बस हम लोगों ने पैक करवाया और सीधे लेके घर गए। तो देख सकते हैं आप लोग, मेरे हाथ में पिज़्ज़ा है, और चलिए मिलते हैं घर चल के आप लोगों से। तो जी देखिए, हम लोग घर पहुंच गए और पूजा अब सारे सामान रख रही हैं, रेडी हो रही हैं घर जाने के लिए, और बस बच्चे भी थक गए थे और वेदांश सो गए थे, बाबू भी सो गए थे, तो मैंने बाबू को गोदी में ही ले रखा है अभी, और उसको लेकर ही मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो अभी हो रहे थे रात के 7:30 से ज़्यादा हो गए थे, 8 बजने वाले थे, और यहाँ पूजा करी थी बाय, तो वेदांश को उठाया गोदी में और ले कर चल दिए, क्योंकि यहाँ पर बाबू भी सो गया था तो इसलिए आसानी से चले गए, वरना अगर बाबू जगा होता तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देता, उसी टाइम चिल्लाने लगता है कि मैं भी जाऊँगा बोल के। तो देखिए, इन लोगों को विदाई करके आए हैं और अब हम लोग खाएंगे पिज़्ज़ा, और इतना ठंडा हो गया था पिज़्ज़ा बिल्कुल, वहाँ पे अगर गरम गरम खाए होते तो इसका टेस्ट अलग होता, और अभी थोड़ा सा इसका अलग ही टेस्ट हो गया था ठंडा होने के बाद। और मम्मी पापा अपना कैसे खा रहे थे, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने आप लोगों को भी खिला दिया कि आइए गाइस खाइए हमारे साथ पिज़्ज़ा। और तो गाइस देखिए, हम लोग आ गए अभी, हम लोग गए थे KFC में, और उसके बाद से हम लोग डोमिनोज भी गए, उसके बाद से देखिए बाबू भी सोया हुआ आ गया, तो बाबू भी रास्ते में सो गए, तभी जा रही उनके कपड़े चेंज कर। तो अभी 8:30 हो गए हैं और पूजा चली गई अपने घर, तो उन लोग को विदाई करने में ही मुझे थोड़ा सा लेट हो गया,
सच बताऊँ तो इतने ज़्यादा थक गए ना सुबह, क्योंकि आज सुबह से जब से उठी हूँ तब से बस काम 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 काम, वैसे तो रोज ही रहता है बट आज कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह भी मैंने किया और केक लेने भी गए, और फिर डब्बा इतना उसका बड़ा था कि बाबू को भी लेके गए थे और हम लेके नहीं आ पा रहे थे, तो इसलिए फिर ये हम लोग घर छोड़ के और फिर यहीं पर एक हैं बाबू, उनको लेके चले गए तो वो लेके आए हैं। तो हम लोग गए थे कैफ़सी गए थे और डोमिनोज़ गए थे, तो कैफ़सी में तो हमने खा लिया पर डोमिनोज़ में हम जब गए थे पिज़्ज़ा के लिए तो पिज़्ज़ा हमने लेके घर पे आ गए। बाबू ना बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा उसको पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बार उसने पिज़्ज़ा खा लिया था, मैंने उसके आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया था पिज़्ज़ा का, तब इसने पिज़्ज़ा खाया था और तब से इसको पिज़्ज़ा का याद है और तब से हमेशा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। तो बस देखिए गाइस, हमने जो भी है छोटा मोटा अपने तरफ से जो भी किया, सरप्राइज़ भी दिया पूजा को केक का, तो ये सब चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी उस वक्त और उन्हें बहुत अच्छा लगा। बस यही बोलूँगी कि आज का ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बहुत मेहनत की है आज तो प्लीज़ 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 मेहनत का रंग ज़रूर ज़रूर देखने को मिलना चाहिए मुझे आज इस ब्लॉग में। तो चलिए मिलूंगी मैं आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग में, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेती आऊँगी। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो और ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे और अच्छा लगेगा कि मैं अच्छे कंटेंट ला सकूं। तो बस मैं चाहती हूं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि आप लोग मुझसे कुछ सीख सकें, तो मेन मोटिव मेरा ये है, बट अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ, छोटा बच्चा है और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं नहीं अभी जो भी मैं सोचती हूँ मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट ज़रूर करूँगी। मैंने यही ठाना है कि मैं ज़रूर अगर मैं कुछ भी करूँ तो मैं ऐसा कुछ करूँ कि मैं जिससे कि किसी के लिए एक इंप्रेशन बन सके और किसी कोई मेरी वीडियो को देख के कुछ सीख सके, ठीक है, तो मैं बस ये चाहती हूँ, बट अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो बस धीरे धीरे मैं आगे करूँगी गाइस, ज़रूर करूँगी कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कुछ भी अगर आप लोग को ऐसा सिखा सकूँ तो मैं ऐसे वीडियो लाऊँगी ज़रूर, जिससे कि आप लोग को कुछ सीखने को मिले। वैसे तो डेली लाइफ जो भी हम लोग जो भी घर का जो भी मेरा क्रिएटिविटी होता है सुबह से लेकर शाम तक, इन सब चीज़ों का तो मैं दिखाती हूँ, तो ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट हो गया, बट मुझे कुछ ऐसा करना है जैसे कि आप लोगों को कुछ हासिल हो, कुछ सीखने को मिले। ओके, तो ये चीज़ मैं करूँगी ज़रूर। ये आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइज, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट तो ज़रूर किया कीजिए आप लोग। ओके गाइज, बाय, लव यू, बाय।